नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरुण मिश्रा। मुंबई से बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। मशहूर फिल्म अभिनेता गोविंदा को गोली लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जहां आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। गोली गोविंदा के पैर में लगी है और फिलहाल गोली को निकाल दिया गया है। खबरों की बात करें तो गोली उनके घुटने में लगी है। दरअसल सुबह वो अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर को साफ कर रहे थे, उस वक्त ये हादसा हुआ और उनकी रिवॉल्वर से गोली चली जो उनके घुटने में लगी। इस खबर के सामने आने के बाद देश भर में हड़कंप मच गया। उनके तमाम फैंस इसको लेकर चिंता जता रहे हैं कि आखिर उनका अब हेल्थ अपडेट क्या है। ऐसे में गोविंदा ने अपना एक ऑडियो संदेश जारी किया है और अपने तमाम फैंस को संदेश दिया है कि मैं अब सुरक्षित हूँ और खतरे से बाहर हूँ। गोविंदा ने कहा है कि मैं अब खतरे से बाहर हूँ, गलती से गोली चल गई थी, बाबा का आशीर्वाद है। मैं अपने सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद करता हूँ, मैं अपने फैंस का भी आभारी हूँ। आप पहले उनका ये ऑडियो संदेश सुनिए। नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद प्रणाम। तो आपने ये ऑडियो संदेश सुना, अस्पताल से गोविंदा ने ये ऑडियो संदेश जारी किया अपने तमाम फैंस के लिए और देश भर के तमाम लोगों के लिए कि अब उनकी तबीयत कैसी है। दरअसल इस खबर के सामने आने के बाद लगातार हड़कंप मच गया और ये देखने को मिल रहा था कि आखिर ये घटना घटी क्यों है, आखिर क्या वो पूरा मामला था कि आखिर गोली चली क्यों। दरअसल ये गोविंदा को गोली लगने की घटना आज सुबह तड़के 4 बजे के आसपास की है। गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने इस हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि एक्टर कोलकाता जाने की तैयारी में थे। उनकी पत्नी सुनीता पहले से ही कोलकाता में मौजूद थी, लेकिन घर से निकलने से पहले वो अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर साफ करके केस में रख रहे थे, तभी गन उनके हाथ से छूटकर गिर गई और मिस फायर होने से घुटने में गोली जा लगी। गोविंदा के मैनेजर ने यह भी बताया कि एक्टर ने गोली लगने के बाद खुद उन्हें कॉल करके घटना की जानकारी दी, साथ ही उन्होंने अपने भाई को भी कॉल किया। गोविंदा के बड़े भाई कीर्ति कुमार ने बताया कि जब गोविंदा को पैर में सुबह एक्सीडेंटल गोली लगी तो गोविंदा ने खुद उन्हें कॉल किया था। गोविंदा ने घटना के बारे में बताया कि उनके साथ कुछ हो गया है। गोविंदा के भाई ने आगे बताया, आनंद फानन में गोविंदा के घर पहुंचा और 3-4 लोगों ने मिलकर गोविंदा को फौरन क्रिटिक केयर हॉस्पिटल पहुंचाया। ऑपरेशन के बाद गोविंदा अब ठीक है, अभी कुछ परिवार वाले हॉस्पिटल में मौजूद हैं और डॉक्टर उनकी पूरी तरह से तबीयत का ख्याल रख रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, शुक्र है घटना इतनी गंभीर नहीं थी और उन्हें ज्यादा कुछ नहीं हुआ। मैं टीवी पर आकर कुछ नहीं बोलना चाहता, मुझे बस इतना ही कहना है, मैं और कुछ कह बता नहीं पाऊंगा। फिलहाल गोविंदा जी ठीक है। गोविंदा फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में है। राहत की बात यह है कि ये गोली गोविंदा के पैर से निकाल दी गई है, फिलहाल वो खतरे से बाहर है, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बेटी टीना इस समय उनके साथ हॉस्पिटल में मौजूद है। हालांकि मिली जानकारी के मुताबिक गोविंदा को फिलहाल 2 दिनों तक डॉक्टर्स की निगरानी में हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। गोविंदा के तमाम रिश्तेदार उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कश्मीरा शाह सालों की नाराजगी भुलाकर मामा गोविंदा की सेहत का हाल जानने के लिए अस्पताल में उनसे मिलने पहुंची हैं। कृष्णा अभिषेक इस समय विदेश में हैं, जिस वजह से वो हॉस्पिटल नहीं जा पाए। गोविंदा की बात करें तो गोविंदा को कौन नहीं जानता है, गोविंदा फिल्मों के मशहूर अभिनेता हैं और कॉमेडी किंग के तौर पर भी जाने जाते हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी कॉमिक टाइमिंग, खास डांसिंग स्टाइल और दमदार एक्टिंग के दम पर फैंस के दिलों में गहरी छाप छोड़ी हुई है। हिंदी सिनेमा में उनका काफी बड़ा योगदान है। 90 के दशक में अगर सबसे ज्यादा किसी ने फिल्में की तो वो उनका नाम सिर्फ एक ही है, तो वो गोविंदा है। उन्होंने डायरेक्टर डेविड धवन के साथ मिलकर कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। गोविंदा को लेकर अक्सर अभिनेता तारीफ करते करते कहते हैं कि वो इतने टैलेंटेड थे कि 12 घंटों का काम सिर्फ 2 घंटे में खत्म कर सकते हैं। बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 कहे जाने वाले गोविंदा आखिरी बार 2019 में पर्दे पर नजर आए थे, तब उनकी फिल्म रंगीला राजा बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी।
मगर लव 86 ने अपनी फिल्मी सफर का आगाज करने वाले गोविंदा ने हीरो नंबर वन, कुली नंबर वन, साजन चले ससुराल, 16 और सबनम राजा बाबू और पार्टनर जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं। पिछले कुछ महीनों में गोविंदा को कई टीवी रियलिटी शो में बतौर स्पेशल गेस्ट के तौर पर भी देखा गया है। ऐसे में स्पेशल कवरेज न्यूज गोविंदा के लिए जल्दी स्वस्थ होने की दुआ करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि गोविंदा जी जल्द स्वस्थ हों और अस्पताल से छुट्टी होकर जल्द वो घर आ जाएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्पेशल कवरेज न्यूज़।